भैया एसपी ऑफिस क्यों पहुंचे हैं आप? एसपी ऑफिस भैया को बोलना ना, बोलो एसपी ऑफिस नाम इसलिए पूछ रहे कि हमारे 3 तारीख के दिन हमको जुलूस निकालना है। पिछली बार हमें कई बार ऐसी बार ऐसी घटना हो चुकी है कि हमारी बनौली का जुलूस नहीं निकालने देते हैं, और हम ऐसे एसपी ऑफिस से कि हमारी सुरक्षा बल के लिए हम पुलिस की मांग कर लिया है, आवेदन दे दिया हमने ताकि हमारा जुलूस शांति से निकल जाए। शांति से आपकी शादी हो? हाँ, हाँ बनौली अंदर बनौली निकाले गांव में बनौली निकालो गांव में निकालेंगे। एनाबाद में निकालेंगे। हाँ अच्छा, मतलब आपको खतरा है? हाँ खतरा है बिल्कुल। 15 दिन पहले हुआ? हाँ 15 दिन पहले हो चुका है। ज्ञापन देने के लिए आप यहाँ पहुँचे? हाँ ज्ञापन देने के लिए। ज्ञापन में आपने किस तरह की मांग की? हम सुरक्षा के लिए हमने ज्ञापन दिया। कौन समाज से हैं? भलाई समाज से। क्या नाम है आपको? भगवान सिंह पवार। कब जाएगी बारात आपकी और कहाँ जाएगी? 3 तारीख को शाम को 6 बजे। एनाबाद सोनकच तहसील और जिला देवास का एक गांव है जहां पर वर्षों से जातिवाद और भेदभाव पनपा हुआ है, और वर्तमान में भी जातिवाद वो लोग करते हैं, उच्च जाति के लोग वहाँ के, हमारे दलित वर्ग को ना बाना निकालने देते हैं, बारात निकालने देते हैं, और ना ही मंदिर में प्रवेश करने देते हैं। यहाँ तक कि अनुसूचित जाति का जो सामुदायिक भवन है उस पर भी कब्जा कर रखा है, और यदि कोई बारात निकाल ले तो उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं। जैसा कि पिछली कुछ दिनों पहले 16 मई को हमारे दलित वर्ग के एक व्यक्ति के द्वारा बयान निकाला गया था, बनौली निकाली गई थी, जिससे नाराज होकर वहाँ पर उच्च जाति के लोगों ने 4 दिवस तक उनका दाना पानी हुक्का पानी बंद कर दिया था। हमने यहाँ पर पुलिस सहायता मांगी थी जिसके कारण वहाँ पर स्थिति सामान्य हुई थी, एवं उनके साथ मारपीट भी की गई थी बनौली के दौरान। वर्तमान में भी ऐसी स्थिति ना बने इसलिए आज दलित दूल्हा स्वयं आया है यहाँ पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय देवास में यह निवेदन करने। यह दलित दूल्हा पहली बार भगवान श्री राम के दर्शन करेगा पुलिस सुरक्षा में, और पुलिस सुरक्षा मांगी गई है इनकी बारात के लिए। और एनाबाद गाँव है या सोनकच तहसील का जिला देवास। कितनी तारीख की शादी है इनकी? 3 तारीख की शादी है, परसों के दिन 3 जून शाम को 6 बजे की बारात आएगी। दलित दूल्हा हमारे भगवान सिंह पवार। आपका नाम बताओ? मेरा नाम मनोज परमार, अखिल भारतीय भलाई महासंघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष।